मैडम अत भी थोद गड़ ओके सर, मेरा नाम मास्टर मुशर्रफ है। सर हमने जो वैक्सीन किया है गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है 15 से 17 साल के लिए बच्चों के लिए, ये बहुत ही मतलब बेनिफिट्स है। मैं हर किसी बच्चे को कहना हूँ जो 17 एज ग्रुप तक है वो वैक्सीन करें, इससे उनकी खुद की सेफ्टी है, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत ही खतरनाक है। अगले जो इसका आज रेट बढ़ रहे हैं इससे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये वैक्सीन से आपको खुद का एक शील्ड मिलेगा, आप अपने घर वालों को भी ठीक रख सकते हो। बाकी को ताजिक शहबाज पूरा रामपुरा सर, मैंने वैक्सीन किया का। क्या कहना चाहती है अपने यूथ को? मैं अपने यूथ को ये कहना चाहती हूँ कि ये जो वैक्सीन हम कर रहे हैं ये किसी के हम अपने सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। अगर आप डॉक्टर हमें बोल रहे हो वैक्सीन करने के लिए तो हमें वैक्सीन करना चाहिए, बिकॉज ये हमारी खुद की सेफ्टी के लिए और घर वालों को भी सेफ रख सकते हैं हम इस वजह से। इसलिए मुझे कोई फोर्स भी नहीं किया गया कि मतलब वैक्सीन आप करो नहीं ज़रूरी है। मैंने घर वालों से परमिशन ली, घर वालों ने भी परमिशन दी नहीं करो वैक्सीन, खुद के लिए भी अच्छा है और घर वालों के लिए भी अच्छा है। तो मैंने मंजूर अहमद राठक हेल्थ एजुकेटर ब्लॉक बांडीपुर। हमारा रोल ये है, हम सुपरवाइजर्स हैं, हम सपोर्टिव सुपरवाइजर कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं। हमने पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जिसको भी सेफ रहना है कोविड से, जो ये मोलक बीमारी है, इसको खाली एक ही इलाज है, वो है वैक्सीन। इससे पहले हमने वैक्सीन किए थे 16 से ऊपर जो 60 ईयर्स थे। आज जो हम वैक्सीन करने जा रहे हैं ये हमें 14 to 17, इसका वाहिद इलाज है कि बस वैक्सीन कीजिए। हम घर घर जा रहे हैं, हमारी जो फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर है और जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स है जो हमारे वैक्सीनेटर हैं वो घर घर जा रहे हैं। पहले हमने स्कूल में जाकर जो 11th क्लास के लड़के थे वो लड़कियां थी उनको वैक्सीन किए, उसके बाद हम घर घर जा रहे हैं। इस वक्त हमारा जो मिशन है बांडीपोरा में, इंशाल्लाह ताला हम कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ताला 100% करके दिखाएंगे। जैसा कि आपको मालूम हमने रिसेंटली 3 दिन पहले यहाँ ड्राइव एक स्टार्ट किया, जो कि 15 साल से लेकर 17 ईयर्स जो बच्चे हैं उनको हम वैक्सीन दे रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया और हमने अबो 14 से लेकर अबो 60 तक हमने किया और वो 100% हमने उसमें अचीवमेंट किया। फिर उसका सेकंड डोज भी हमने 100% अचीवमेंट किया, तो फिर 14 तक जो है वो हमने फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज अचीव किया। उसके बाद अब एज ग्रुप ऑफ 15 to 17 अब स्टार्ट हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह अभी 3 दिन से हम लगातार कर रहे हैं। हमारा टोटल टारगेट है 26,904 बच्चे पूरे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के, तो जिसमें कि हमने अभी तक तकरीबन 15% 3 दिन में हमने 15% कम्प्लीट किए, तो अराउंड अबाउट 10,000 हमने कम्प्लीट किए हैं और इंशाल्लाह विद इन डेज हम ये भी रोल आउट करेंगे। मालूम है ये जो 15 साल के हैं और जो 17 ये अक्सर स्कूलों में, चूँकि आजकल स्कूल्स बंद है, बट हम बड़े मशहूर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के DC साहब के चीफ एजुकेशन ऑफिसर जिन्होंने स्कूल जो है वो ओपन रखे थे हमारे लिए और हम हर हायर सेकेंडरी पर गए और अराउंड 6,000 बच्चे जो है अभी तक हमने हायर सेकेंडरी से भी वो इंजेक्ट किया। तो जैसे कि आपको मालूम है अभी तक ये जो कोरोना जो वायरस है इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, अगर कोई ट्रीटमेंट है तो वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जो है आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जिनका फिर से भी कोविड हो गया ये देखा गया, अगर उसने वैक्सीन लिए हैं तो उसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, इसका मतलब इसका इलाज जो है वो है वैक्सीनेशन। तो मेरी गुजारिश ये है उन लोगों से जिन्होंने अभी तक नहीं किया चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, वो हमारे पास आए, हम उनका वैक्सीनेशन करेंगे और प्लस बूस्टर डोज आज से हमने स्टार्ट किया जो अबो 60 है, जो कोमॉर्बिडिटी जिनके डिजीज़ है वो भी आ सकते हैं, वो भी बूस्टर डोज लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% वैक्सीनेशन हो और हम घर घर गए। मैं बड़ा मशहूर हूँ जो हेल्थ वर्कर्स है या ICDS एजुकेशन डिपार्टमेंट या बहुत सारे वॉलंटियर्स और PRIs और आशाज आंगनवाड़ी वर्कर्स सबों ने मिल के काम किया, दिन रात मेहनत की, ये उनकी मेहनत की वजह से कि हम 100% अचीवमेंट कर रहे हैं।
और जैसे कि आपको मालूम है मन की बात में भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी ने भी जिक्र किया था कि फर्स्ट गांव जो हमारा था गवन वहां पर 100% हुआ, उसके लिए मैं मुबारकबाद देना पूरी टीम को और ख़ासकर बांडीपोरा को। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हालात बहुत ख़राब है, जैसे कि आपको मालूम है अराउंड 1000 के करीब हमारे पेशेंट्स पॉजिटिविटी आ रहे हैं, और आप दिल्ली में देख रहे हैं वहाँ पर तकरीबन 20,000 पर डे। इस तरह से आप देख रहे हैं एक ब्लास्ट हो रहा है। अगर हमें इसको रोकना है, अगर हमें इस थर्ड वेव को रोकना है, तो हमें वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, खासकर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और अननेसेसरी से बाहर निकलना नहीं, और मेरी गुजारिश है लोगों से कि और वो वैक्सीन करें।